Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बिहार पुलिस में सिपाही के 21,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए बुधवार को पहले चरण की परीक्षा हुई। इसमें 8 से ज्यादा अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। सिपाही भर्ती के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि पटना से 4, बक्सर, आरा और जमुई से 2-2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं भागलपुर से 2 अभ्यर्थी निष्कासित किए गए। पहले चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए 298,020 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। इसमें 244,788 अभ्यर्थियों ने ई प्रवेश पत्र डाउनलोड किया और 65% उपस्थिति रही। आरा में टाउन प्लस 2 विद्यालय परीक्षा केंद्र से ब्लूटूथ से नकल करते हुए पटना जिले के 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। पकड़े आरोपित अभ्यर्थियों में पटना के दुल्लिन बाजार थाना के दौरवा गांव रविशंकर शर्मा और पीढ़ी गांव निवासी विक्की कुमार शामिल है। इधर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार पटना जिले के दोनों अभ्यर्थी चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर परीक्षा देने आए थे। दोनों के विरुद्ध टाउन थाना में प्राथमिकी की गई है। बक्सर के उच्च माध्यमिक विद्यालय जासो परीक्षा केंद्र में मोबाइल के साथ दावत थाना के बत्सा निवासी विश्वामित्र शर्मा नाम के परीक्षार्थी को पकड़ा गया। कदाचार की रोकथाम के लिए कोचिंग सेंटर के आसपास सादी वर्दी में जवान तैनात किए गए थे। पुलिस कार्रवाई को देखते हुए बुधवार को पटना सहित जिला मुख्यालय के कोचिंग सेंटर के आसपास सन्नाटा पसरा रहा। बक्सर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डुमराओं के आनंद विहार होटल में 2 लड़कों के प्रवेश पत्र से उनके फोटो का मिलान नहीं होने पर मोबाइल समेत सामान की जाँच की गयी। उनसे 145 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बरामद होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवकों की पहचान कैमूर के भभुआ थाना के रुइया निवासी छोटेलाल चौरसिया और मनिहारी रोशन चौरसिया के रूप में हुई है। 2 पन्ने पर पटना और बक्सर के परीक्षा केंद्रों के नाम और उन केंद्रों के कुछ परीक्षार्थी के रोल नंबर मिले हैं। 7 और 11 अगस्त को होने वाली परीक्षा के 145 प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड, 6 डेबिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत पहचान पत्र और 3200 रुपए नगद बरामद किए गए। सासाराम जिला मुख्यालय स्थित बाल विकास विद्यालय परीक्षा केंद्र से अमरेंद्र प्रताप सिंह नामक परीक्षार्थी अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी लेकर चला गया था। केंद्राधीक्षक ने परीक्षार्थी और संबंधित कक्ष में प्रतिनियुक्त मोहम्मद शोएब के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। पुलिस नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई में जुट गई है। औरंगाबाद में बक्सर पुलिस के इनपुट पर बुधवार की सुबह पेपर लीक के संदेह पर 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। रोहतास के करहगर थाना क्षेत्र के धनीज गांव निवासी मंजीत पाल और मोहम्मद समीर शाह को मधुरम होटल से पकड़ा गया। टाउन इंटर कॉलेज के पास से रोहतास के अग्रेर थाना के ज्ञानी बिघा निवासी अजीत नारायण को पकड़ा गया है। दोनों से बक्सर और साइबर सेल की टीम पूछताछ करेगी। मोबाइल भी जब्त किया गया है।